हेलो हाय नमस्कार और फिलहाल आप सभी को मेरा कैसे हैं आप सभी। तो चलिए कर ही लेते हैं आज की दिन की शुरुआत। आज है 16 तारीख, तो आज मैं दो तीन दिन बाद बहुत बुरा रही हूँ क्योंकि आजकल ना बिजी चल पार्क के दारेश्वर ग्राउंड में खेल महाकुंभ चल रहा है, जो पूरे कपकोट ब्लॉक के जितने भी विद्यालय होते हैं वहाँ के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। देखो हमारे पुंतु के छोटे 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 कपड़े, हमारे छोटा छोटा क्यों रुला रही होगी बुआ? अरे यार सो रहा है। तो ये जो ब्लॉक स्तर से जीतता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल में खेलता है। आसपास के जितने भी गांव में विद्यालय हैं तो वहाँ से सभी यहाँ पे जीतते हैं। पहले अपने स्कूल लेवल में खेलते हैं, फिर वहाँ से फिर ब्लॉक लेवल में, फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल में, फिर स्टेट लेवल में वो लोग खेलते हैं। दौड़, कबड्डी, खो खो, जैसे कल्चरल प्रोग्राम, जो जिस चीज़ में आगे है वो अपना अपना प्रोग्राम दिखाता है और आगे आगे को जाते रहते हैं। बचपन में हमने भी अपने स्कूल लेवल में खेला था, फिर ब्लॉक लेवल तक आ ही नहीं पाए क्योंकि ये होता ना घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, पैसे की कमी, तो इस वजह से तो हम भी ऐसे ही रह गए। तो जो लोग आते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो ऐसे खेल पाते हैं। भैया एक बार ऊपर देख रहे हैं कि क्या कर रही है, तो विनोद लगे हैं सुबह सुबह सुंदर के साथ खेल करने में। तो आजकल छत के हाल कुछ ऐसे हो रहा है, शायद इस जाड़ों में हम अच्छे से धूप नहीं सेक पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही काम चलते रहेगा। जो आगे लेंटर बन रहा है तो उसके लिए सारा मटेरियल इधर को रख रहे हैं, तो फिर यहाँ से उधर शिफ्ट होगा क्योंकि और जगह भी जगह नहीं है। वाह, सुबह से दुकान खुली छोड़ के नाश्ता करने इधर उधर जा रही हूँ दीपा दीदी, प्रेमा दीदी के भरोसे, एक भी नहीं आया। प्रेमा दीदी आके अपने शेड में बैठ गई, दीपा दीदी आई अपने शेड में बैठ गई, ऐसा लग रहा है जैसे काम धाम कुछ है ही नहीं, बैठने के लिए आए हैं। तो बैठो रे बैठो, जो फैलता काम हो। प्रेमा दीदी को सोच पड़े हैं कि उनको घाघरा सिलना है, कल बारात में जाना है घाघरा पहनने, तो कैसे सिलूं, शाम तक सिल पाऊंगी नहीं सिल पाऊंगी हो रही है। तो दोस्तों सुबह के बाद मिल रही हूँ सीधे शाम को, और अभी दुकान के हाल कुछ ऐसे हैं मेरे, और ये जो साड़ियाँ रखे हैं इनको फॉल करना है, बाकी तो दुकान बढ़ा ली मैंने। ये लो महाराज सिल के बढ़िया करके फॉल लगा के हमें दे देना, ठीक है? पान खाए, पान खाए बनारस वाला, देखते हैं कैसे सिलते हैं। मेरे को बड़ा हड़कार थे कि मैंने बहुत काम कर रखा है ऐसा वैसा, मैं करता था पहले। मैं विनोद भी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। तो हम सभी ना शाम को ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, मम्मी लोग गांव चले गए हैं, मेरा यहाँ काम हो रहा था, ये लोग भी दीपा से परेशान हो गए यहाँ आगे क्योंकि वहाँ पे उसका ऑफिस चलता है, हमको बोलना ही नहीं होता है किसी को। तो कहाँ बैठे कहाँ बैठे, तो इसलिए यहीं। तो प्रकाश बोल रहे हैं कि मेरे को अच्छा, हाँ अच्छा काम, फैशन डिजाइनिंग करी होगी शायद 2 साल, सब काम करना चाहिए इंसान ने वैसे, सुई धागा डालना आता है नहीं। लगे रहो, चलिए ये भी आ गए साथ में यही चाय वाय लेके, और क्या कहते हैं अंडे उबाल दो कहा था मैंने सब्जी बनाने के लिए, तो फिर यहाँ का काम हो जाए तो फिर 8 बजे सभी चलेंगे सब्जी उब्जी बनाएंगे। सुंदरी के लिए फ्रॉक बनाते तो साड़ी तो हो नहीं रहा था, साइड लगा दिया, अब देखते क्या बनाते हैं। चलो आपका होम साइंस का वो है टेस्ट है आज, तो आपको एक छोटा सा फ्रॉक बनाना है, ऐसा मुंह मत बनाओ हंसो थोड़ा। तो वो बनाओ, मैं अपना फोन लगाती हूँ। सावधान पोज में 174 सेंटीमीटर, कितनी हाइट हुई? किसमें दिखा रहा है? ये सेटिंग में दिखा। देखो ऐसे टाइम पास चल रहा है हमारा, बताना किसमें दिखा रहा है।
कितने चालू हैं। ये बब्बा यहाँ पे भाभी की हेड देखते हुए और ये अच्छा समझ गया मेरी सपना हाँ, तेरी फोटो से लेकर नीचे तक देखना चाहिए तो एकदम ऑटोमेटिकली कर लेगा। आया 172 दिखा रहा है। हां तो इतना ही हूं मैं 161 और इसमें एक चीज और है दिखा रहा हूं उसका 161 का कितना हुआ कितना फुट कितना 5 अभी नहीं देखो ना 525 तो फिर से खड़े हो 525 कौन हे भगवान। चलो भाई घर की तरफ ये वाले हो गए मेरे अब चलती हूँ घर। ये मैं तो चली घर की तरफ। चलो अब करो बंद लाइट। नमो अपना सामान छोड़ के ये हाल हो रहे कमरे के ये हाल है। फिर मैं बिस्तर चादर बिछाऊंगी कवर लगाऊंगी पहले तो इनको बगल वाले कमरे में छोड़ के आते हूँ। काम हो गया ये फिर उधर को चले हम यहाँ चलते हैं। तो इन्होंने अंडे उबालने रख दिए थे। दीपा वहाँ पे ऑफिस का काम करती है वो आजकल ट्रेनर है ना तो अपने से छोटे क्लाइंट को ट्रेनिंग देती रहती है तो फिर वहाँ बोलना ही नहीं होता है तो इसलिए किचन में बोल रहे हैं। बाकी अभी सब्जी वब्जी का काम करती हूँ मैं फटाफट से होमवर्क कर ले अभी खाना खाने के बाद संस्कृत का करूंगा। हाँ ठीक है फ्रेंड्स से कोई क्या जो बोल रहा है क्या तेल। तो ये देखो हमारे घर के हाल और सभी दुकान के काम के बाद घर में आ गए हैं और लगे हैं अंडा करी बनाने में। तो दामाद हो तो ऐसे है ना सभी दामादों को ऐसा होना चाहिए कि अपने ससुराल में आए और अपने हाथों से हमें बना के खिलाए। तो अभी देखो बर्तनों के हाल क्या होंगे मेरे। हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामाद हो तो ऐसे और दामाद दिखाते हैं आपको और एक दामाद ये रहे। आपने कभी अपने ससुराल का मुंह देखा है क्यों देखना है जबरदस्ती ना। जब भी यहाँ आते हैं पिछले बार दम आलू खिलाए थे इस बार अंडा करी बना के खिला रहे हैं तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। रोटी बना रहे अंडा करी तो बस बन ही गया है। अंडा करी ये बना रहे और मम्मी रोटी हम पीछे का दिखा बताऊं क्या क्या हो रहा है। चलो चखो कैसा हो रहा है बताएंगे फिर मैं खाऊंगी। नहीं प्याज कटिंग में थोड़ा गड़बड़ है ये देखो प्याज आज मैंने काटा था। धनिया किसने काटा है धनिया पे ठीक है। दीपा के लिए तो तरी बची नहीं रही। अच्छा दीपा चलिए अब मैं चखती हूँ कैसा हो रहा है। खाते हैं कैसा हो रहा है देखते हैं। सही है जब अंडा फोड़ के उसमें मिक्स करूँगी ना तो अच्छा हो जाएगा। अरे वो इसका एकदम मिर्च ऊपर गया ना लगा नहीं कि इतना मिर्च होगा करके। तो चलिए फ्रेंड्स समय भी हो गया है रात के 10:19। बाकी इसके बाद फॉल लगाना है मेरे को। खाना वाना खा लिया है मैंने और बाल मैंने अभी बनाए दिन भर से सिर धोया था वैसे ही बांध दिया था। तो ऐसा थोड़ा सा वीजी शेड्यूल चल रहा है आजकल तो ब्लॉग भी डेली नहीं बन पा रहे और फिर आने वाले अगले महीने से थोड़ा सांदियों का सीज़न कम हो जाता है तो फिर डेली ब्लॉग करेंगे। फिर हाल तो आजकल ऐसे ही हैं घर में ही हैं लगातार ऐसे ब्लॉग बन रहे। बाकी सभी ये मूवी देख रहे तो बस मैं मिलती हूँ जल्दी ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय बाय एंड गुड नाइट।